वो कहते हैं ना आज के दौर में या तो दीवाना हसे। आप इतने हसीन क्यों लगते हैं ये बताएं, और ये इससे गुरूर किस बात का आपको? गुरूर, तौबा। तौबा क्या मतलब? गुरूर से तौबा। अच्छा, कभी गुरूर ना करें जिंदगी में। तो आप क्यों करते हैं? नहीं यार, आप मतलब करते हैं, आप गुरूर करते हैं, मैंने नहीं देखा है कई मर्तबा। इसका मतलब है मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। हैं? अब ना बदलना खुदा की कसम। नहीं, मुझे बदलना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है तो पता नहीं दुनिया को कैसे लग रहा है। मुझे, मैं तो आपको भाई की नजर से देखता हूँ। आप गुरूर नहीं हो सकते। दुनिया की नजर से देखेंगे तो आप बड़े हैंडसम आदमी जी। तो मैं इनके लिए कह रहा था, आज के दौर में या दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस जहां में आके मुस्कुराता कौन है। तो बात यह है कि मुस्कुराना आसानी है, अल्लाह पाक जो है ना तौफीक देता है तो आदमी मुस्कुराता है, और इसी मुस्कुराहट को लेके नदीम भाई थोड़ा जेंजी के साथ रहना पड़ेगा। जेंजी वाले जो लोग हैं ना उनके साथ रहना पड़ेगा। आजकल आजकल लोग अशार से मुतासिर नहीं होते, मैं बता रहा हूं। अशार भूल जाते हैं। अशार भूल, ये पब्लिक जो है ना अशार वाली, अशार का अचार बना चुके हैं। अशार वाली पब्लिक हमारी है। अशार भूल, और जो हमारी उम्र के लोग हैं उन्हें अब सुनाई भी कम देता है। That's how it is. So I don't think you should be doing that. You should be talking about cars. You should be talking about planes. You should be talking about vacations. You should be talking about इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. You know, Madrid, Portugal, Spain. ये सब ये वाली बातें करें. Lovely. आपने इधर बातें की ना, लालू खेत ये वो फला, तुम्हारी नजर जुल्फ ये ऐसा बादल घटाएं. बोले कि भाईजान खुदा हाफिज़. You know, we'll talk about later. बहुत सही है. सर रिश्तों की हम बात कर रहे हैं. इससे पहले कि रिश्तों पे हम आए, एक पैकेज है पहले हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद रिश्तों की बात करेंगे. प्लीज वॉच दिस. रिश्ते हमारी जिंदगी में अहम मकाम रखते हैं. ये रिश्ते हमें मोहब्बत, तहफ्फुज़ और ताउन फराहम करते हैं. रिश्तों के साथ हुस्ने सलूक करना जरूरी है ताकि ये ताल्लुकात मजबूत और देर पा रह सकें. एक दूसरे की इज्जत करना, मोहब्बत से पेश आना और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना रिश्तों की खूबसूरती को बढ़ाता है. हुस्ने सलूक ना सिर्फ रिश्तों को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे किरदार की भी अक्कासी करता है. इसलिए हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए और उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना चाहिए. ऑलराइट जी, इससे पहले कि हम लोग बात का आगाज करें, आपसे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं. आज का जो शो है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय एक खुफिया चीज जो हमने रखी हुई उसके जरिए. जब आप लोग यहां से जाएंगे तो हम आप लोगों को तोहफे भी देंगे आज. आज बहुत बड़े बड़े तोहफे हैं. इतने तोहफे हैं कि आप सोचे आपकी कितने तोहफे. इतने तोहफे ए बाजी, एक तोहफा तो आपके बराबर में ही. नहीं चाहिए. नहीं चाहिए क्या मतलब है? आपको नहीं चाहिए. क्या, क्यों नहीं चाहिए? आपके तोहफे नहीं चाहिए. नहीं, हम देगा आपको, आपके साथ जाएगा. वो आपका खाए आदमी जो आपको शीशा मीशा लेके आता है. आपको नहीं चाहिए. नहीं, हम आपको देगा. हम अपने भाई की शादी करवाएगा इंशाल्लाह. हमारी ख्वाहिश है कोई ना कोई तो हमारे जाल में आएगा, किसी ना किसी को तो हम नदीम भाई की दुल्हन बनाएगा. कभी ना कभी तो ऐसा होगा, शकीरा नहीं मिले कोई मसला नहीं, रशीदा तो मिल जाएगी.